नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मारो कितना मारोगे, गाड़ी में आग लगा दूंगा, क्यों कहना पड़ा ऐसा एक ड्राइवर को और कैसे ड्राइवर की हुंकार से आरटीओ भागे, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। कूटो कितना कूटना, मारो कितना मारो, हुए बदतमीजी दिखाई, पूरी गाली दी है मुझे बहन की और डंडे मारे मेरे हाथ पे। मैंने कहा कौन है, आईटीओ साहब है, एंट्री क्या है, मेरे को गाली दी छूटते ही, जब वीडियो बन नहीं लाइव, ठीक है, अब पता लग जाएगा तुम्हें। ड्राइवर को बाहर का देखते, गाली देते हो, बदतमीजी दिखाते हो ना तुम लोग। मारे डंडे मेरे हाथ पे, जे मारे हैं, जे देखो ये डंडे हैं, कोई परमिट नहीं है, अब जाओ, कोई परमिट ना मिलेगा तुम्हें, अब जाओ, आग लगाऊंगा गाड़ी में, करो जो तुम करना हो तुम्हें। यह है जबलपुर का आरटीओ MP20 नंबर है CF1717। ये ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हैं सर, ये देखिए मजिस्ट्रेट साहब, मेरे को गाली दी, मोबाइल छीना, धमकी दे रहे हैं, पूरी बदतमीजी दिखा रहे हैं यहाँ पर, मेरे को डंडा मारा, मैंने गाली रोक, मेरी गाली रुकवाई, मैंने तुरंत गाली रोकी, तुरंत आग लगाऊंगा खड़ी गाड़ी में, मेरे पास पेट्रोल रखा है, जो जो देखो सब सामान रखा है मेरे पास, ये रखा है सब, बहुत तेल है, ये देखो लगाओ, चाबी ले जाओ छीन के, पता लग जाएगा ना तुम्हें, फिर ऑटो दो नंबर के आदमी हो, भाग रहे हो, डर के मारे। तेईस जून की यह घटना है। आजम है ड्राइवर जो माल लेकर नेपाल जा रहे थे, इस दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन्हें घूसखोर आरटीओ का सामना करना पड़ा। आपको बता दें ये वीडियो में दिखने वाले शख्स जिनमें से एक सिविल कपड़े में है तो दो मुंह पर गमछा बांधे हुए हैं। अब ये आरटीओ हैं या कोई और, कैसे सुनिश्चित करें? पर अपने को आरटीओ बताते ये लोग जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी की डिटेल भी ऑनलाइन हमने चेक करनी चाहिए तो वहां पर भी कोई डिटेल नहीं दिखा रहा। ये तथा कथित जबलपुर के आरटीओ ड्राइवर को रुकवाने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर इनकी मंशा को जान रहा था तो नहीं रुका, 5-6 किलोमीटर तक इन तथाकथित आरटीओ ने पीछा किया ड्राइवर का। आरटीओ जबलपुर की मनमानी और कार्यशैली हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। ड्राइवर के साथ दंगल करते दिखे थे जबलपुर के आरटीओ, जिसकी हमने न्यूज भी आपको दिखाई थी। अब यहाँ ड्राइवर को चेस करने की खबर आ रही है। ड्राइवर को रोक कर ₹1000 एंट्री के तौर पर इन आरटीओ कर्मियों ने मांगे। ड्राइवर ने मना किया तो परमिट कागज मांगने लगे, और परमिट लेने के बाद क्या होता है वो हम सब जानते हैं, ड्राइवर मजबूर हो जाता है पैसे भरने को। ड्राइवर ने वो भी नहीं दिए इन आरटीओ को। आखिर इनके शोषण के आगे मजबूर ड्राइवर ने ये तक कहा कि उसे मारा जाए, जितना मर्जी मार लिया जाए, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी तक को आग लगाने की बात भी कह दी ड्राइवर ने। इस बात से आरटीओ द्वारा गाड़ी चालकों के शोषण का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ड्राइवर मरने तक को तैयार हैं और उफ तक नहीं कर रहे। अब जरा आरटीओ कर्मियों की करतूत भी सुन लीजिए। आरटीओ ने ड्राइवर की गाड़ी की चाबी निकाल ली थी, इससे आहत ड्राइवर ने DM को शिकायत करने का नाम लिया। वीडियो बना ही रहा था, ड्राइवर ने वीडियो में उसको मारे जाने की बात भी कही, तब जाकर ये तथाकथित आरटीओ वहां से चाबी छोड़कर भाग निकले। क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता ड्राइवरों को, आखिर क्यों गाड़ी चालकों की प्रताड़ना किसी को नहीं दिखती, प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं देता, ये भी सोचने वाली बात है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ UP से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था, मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा, मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।